वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी अ 10 आवर स्टडी व्लॉग। सो मेरे कैपेसिटेंस के थोड़े से क्वेश्चंस बचे थे तो मेरे को वो करने थे, और उससे पहले मैं कैपेसिटेंस को एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ। और मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं ड्रॉपर हूँ क्या, तो नहीं, मैं 12th क्लास में हूँ, अभी अभी आई हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैं वन शॉट वीडियो से क्यों कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि वो वन शॉट वीडियोस मतलब रिवीजन टाइप की वीडियोस नहीं है, वो प्रॉपर क्रैश कोर्स जैसा है, और उसमें अलग सर पढ़ा रहे हैं यार, यू कान डाउट हिम। प्लस इट सेव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब एक चैप्टर जो कि बैच में 1 महीने 20 दिन चलेगा, वो अगर मेरा 4 दिन में ख़त्म हो जाए तो मेरा सिलेबस इस पेस से कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और मेरे पास फिर एंड में कितना टाइम होगा रिविजन के लिए। एंड देन अगेन, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी करने लग जाओ, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आई एम कम्फर्टेबल विद इट, मेरे को आ जाता है समझ। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही कि आके करो आप लोग भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जिसको जहाँ से समझ आ रहा है वहीं से पढ़ना। उसके बाद हेयर आई एम डूइंग PYQs ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये करने से पहले बारी मैंने पोटेंशियल भी रिवाइज़ कर लिया था। सो यस, मेरे को 2 घंटे लगे क्वेश्चंस कैपेसिटेंस के 40 क्वेश्चंस करने में और PYQs करने में। मेरे को याद नहीं है PYQs कितने थे। और उसके बाद मेरे को केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स करने थे, तो वो करने से पहले मैं एक बारी केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। और मेरे से बहुत सारे लोग शॉर्ट नोट्स का भी पूछ रहे थे, तो वीडियो के एंड में मैं अपने शॉर्ट नोट्स की क्लिप डाल दूंगी, और मैं बता भी देती हूँ कि मैं खुद कैसे बनाती हूँ शॉर्ट नोट्स। सो लाइक ऑल द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड थिंग्स दैट यू थिंक कि लाइक हाँ ये याद रखनी चाहिए, तो वो नोट कर लो, और ज़्यादा बड़े मत बनाओ, लाइक 2-3 पेज में हो जाएंगे। साढ़े 4 घंटे अराउंड हो गए हैं पढ़ते हुए। सो लाइक आई टुक अ ब्रेक एंड मेड माई सेल्फ सम पास्ता, इट वॉज रियली रियली गुड। एंड उसके बाद मैं जूलॉजी करने लगी, जूलॉजी के 2 लेक्चर्स करने थे मेरे को। सो यस, और कुछ लोग बैकलॉग्स का भी पूछ रहे थे। सो अगर आपकी 11th क्लास की बैकलॉग्स है ना, तो उसको अभी मत करो, अभी अपने 12th पे फोकस करो। 12th का सिलेबस होने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें 11th का कर लेना, जो भी रह रहा होगा, बट अभी 12th पे फोकस करो। और अगर आपकी 12th में बैकलॉग्स है तो लाइक अभी अभी बैच स्टार्ट हुआ है राइट, तो इतनी नहीं होंगी, तो एक दिन निकाल के और उस पूरे दिन में आप अपने जो भी बैकलॉग लेक्चर्स हैं वो कम्प्लीट कर लेना। बोथ ऑफ माई लेक्चर्स ऑफ जूलॉजी, हेयर आर माई नोट्स। एंड उसके बाद लाइक मेरे को 6 घंटे अराउंड हो गए थे, 6 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही। और फिर उसके बाद लेक्चर्स हो जाने के बाद मैंने जो भी लेक्चर में पढ़ाया था उसकी NCERT रीड करी। उसके बाद NCERT हो जाने के बाद आई टुक अ ब्रेक फॉर लाइक 10-15 मिनट्स, और मैं अपने टेरेस पे गई, और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना ज़्यादा बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद जूलॉजी हो जाने के बाद मैं फिज़िक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि मेरा कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का सब कुछ हो चुका है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा नया चैप्टर, और मैं वहीं से कर रही हूँ अलग सर से।
अगर किसी को देखना हो तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी दो वीडियोस थी, पहली वीडियो 6.5 आवर्स की थी और दूसरी वाली 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स की थी। तो मैंने पहली वाली वीडियो करी और वो भी मैं पूरी नहीं कर पाई, बहुत टाइम लगता है राइट करने में, तो मैंने आधी कर ली थी 3.5 आवर्स की। मतलब मेरे को पढ़ते हुए ऑलरेडी 6.5 to 7 आवर्स हो चुके थे जब मैं फिज़िक्स करने बैठी थी। मेरे को 9 आवर्स हो चुके हैं और अब मैं और फिज़िक्स नहीं कर रही क्योंकि मैं थक गई थी फिज़िक्स कर करके। सो मैं बॉटनी करने लगी और मैंने बॉटनी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करा है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऐसे ही कुछ नाम है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो चुका है मेरा। और ये वाला जो चैप्टर है ये मैं रक्षिता दीदी से कर रही हूँ अगेन, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर किसी को देखना हो तो, ठीक है। हाँ, तो मैंने 1 घंटा बॉटनी करी और ऐसे करके मेरे 10 आवर्स कंप्लीट हो गए थे और रात के 11 बज गए थे। और मैंने एंड में वीडियो के एंड में शॉर्ट, सो मेरे 2 चैप्टर्स हो गए हैं कंप्लीट फिज़िक्स में, और मैंने दोनों की क्लिप्स डाल दी है शॉर्ट नोट्स की, तो देख लेना। और एकदम बिल्कुल कॉपी मत करना, आई सजेस्ट यू गाइस कि अपने अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, देख लेना मेरे से कि मैंने कैसे बनाया है, बट एकदम अंधों की तरह कॉपी मत करना। और एक और चीज़ की कॉमेंट्स में डाल देना, जो भी आपको कुछ और भी चीज़ पूछनी हो तो आई रिप्लाई टू यू ऑल। एंड ओके, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।